In the run-up to the 2014 general elections, the nation finds itself divided over the choice of the next prime minister. Will it be the BJP's Narendra Modi or the UPA's Rahul Gandhi who takes up the prime ministerial mantle? Well, ET now Sonali Krishna caught up with Kanchi Shankaracharya to get his views on these two potential leaders of India. मेरा प्रश्न ये है कि आप नरेंद्र मोदी को आप अच्छा कैंडिडेट समझते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए? बहुत अच्छा वाला है. क्यों? क्योंकि बाकी लोग का उतना गंदा लोग है, इसलिए वो अच्छा आदमी. एक बार वहां मुस्लिम के साथ मीटिंग किया, उस समय उनका रखा, ये बीच में बैठा, मैं पीछे बैठा हूं, दोनों बाजू में मुस्लिम होकर के फोटो लेकर के सभी पेपर में आ गया है. उतना अच्छा वाला है. तो आपको पसंद है, आपका आशीर्वाद है उसके पास? बहुत. और राहुल गांधी? हाँ, राहुल गांधी. राहुल का बोलना ठीक नहीं. राहुल का बोलना ठीक नहीं है. दोनों अच्छा थे, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, दोनों भी मरण अच्छा नहीं हुआ, इसलिए दुख है हमारा. वो दोनों लोग और कुछ लोग आगे आगे होने से और अच्छा होगा. ये सोनिया विदेशी लोग, उनका बेटा है राहुल, इसलिए वो उतना अच्छा नहीं. आप तीन स्टेप्स दे सकते हैं जो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए इस देश में? धार्मिक रूप में होना, सेकुलर नाम पर मुस्लिम का सपोर्ट लेकर के काम कर रहा है, क्रिश्चियन का सपोर्ट करके काम कर रहा है, ये नहीं होना. सर्वधर्म समन्वय से होना और सभी जनता का अपना अपना धर्म में विश्वास होकर के काम करके भगवान का, प्रभु का आशीर्वाद लेना. तीन पॉइंट.